हेलो फ्रेंड्स, डेली हिट टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केले खाने का सही समय क्या है और साथ ही बताऊंगी आपको हर रोज एक केला खाने के क्या फायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब भी बात होती है किसी सस्ते और बेहतर फल की तो एक ही नाम हमारे जुबान पर आता है और वो नाम है केले यानी कि बनाना का। जी हाँ दोस्तों, केले खाने के बहुत ही ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। इसके अलावा केला जो कि बहुत ही सस्ता होता है, साथ ही साथ ये साल के 12 महीने मार्केट में उपलब्ध रहता है। जी हाँ, इसीलिए अगर हमेशा स्वस्थ रहना है तो आप रोज़ाना एक केला ज़रूर खाएं। इसके अलावा केले में काफ़ी मात्रा में विटामिन्स, प्रोटीन्स और अन्य पोषक तत्व होते हैं जो कि आपको और साथ ही आपके दिल को स्वस्थ बनाए रखेंगे। वैसे दोस्तों, किसी भी चीज़ को खाने का एक समय होता है जिससे कि उस चीज़ को खाने का बेहतर फ़ायदा मिल सके। जी हाँ, इसीलिए फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी केला कब खाना चाहिए यानी कि केले खाने का सही समय क्या है यानी कि व्हाट्स द राइट टाइम टू ईट बनानास। जी हाँ फ्रेंड्स, केले का सबसे अधिक फायदा सुबह उठकर खाने और साथ ही उसके बाद ऊपर से दूध पीने से मिलता है। जी हाँ, आयुर्वेद के हिसाब से केला सुबह खाना बेहतर है। आप दिन में भी इसका सेवन खाना खाने के बाद ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा थके हुए हो, कोई खेल खेलते हो या फिर एक्सरसाइज करते हो तो केला खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिए, रात को या फिर सोते समय केला खाना आपके सेहत के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए आप रात को केला खाने से हमेशा परहेज ही करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं केला खाने के फायदे क्या हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। अगर आपको घबराहट हो रही हो तो आप पका केला कटोरी में फेंककर उसमें एक चम्मच मिश्री और साथ ही एक छोटी इलायची पीसकर मिलाकर खाएंगे तो इससे आपकी घबराहट से आपको काफ़ी राहत मिल जाएगी। केला खाने से नाक से खून आना कम होता है। जी हाँ, इसके लिए एक ग्लास दूध में चीनी मिलाकर दो केले के साथ खाने से नकसीर यानी कि नाक से खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, दस्त यानी कि लूज मोशंस होने पर आप दो केला लगभग 100 ग्राम दही के साथ कुछ दिन तक खाएंगे तो इससे दस्त व पेशी से आपको राहत मिल जाएगी। दोस्तों, आप अपने शरीर की कमजोरी दूर करें। जी हाँ, केले में कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी होता है जिसके कारण इसे खाने से हमारा पेट जल्दी भर जाता है। तो ऐसे में अगर आप सुबह सुबह ऑफिस या फिर कॉलेज जाने के चक्कर में अपना ब्रेकफास्ट छोड़ देते हो तो ऐसे में आप एक केला खाकर घर से निकलें क्योंकि केला खाने से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। सूखी खांसी में है फायदेमंद। जी हाँ, अगर आपको या फिर आपके बच्चों को सूखी खांसी या फिर पुरानी खांसी की समस्या है तो केले का शरबत बनाकर पीना आपको आराम दे सकता है। जी हाँ, केले का शरबत बनाने के लिए आप दो केले को मिक्सर में लेकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अब इसमें दूध और साथ ही सफ़ेद इलायची पाउडर मिलाकर पिएं, इससे आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप अपना दिमाग तेज़ बनाना चाहते हैं और अपने काम में माहिर बनना चाहते हो तो आपके लिए केला खाना बहुत ही फायदेमंद होता है। जी हाँ, क्योंकि केले में विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारे ब्रेन फंक्शन को बेहतर करता है और साथ ही हमारे दिमाग को तेज़ बनाता है। इसीलिए रोज़ एक केले का सेवन ज़रूर करें और अपने दिमाग को शार्प बनाइए। दोस्तों, आप अपने दिल को रखें हेल्दी। जी हाँ, अगर आप अपने दिल को स्वस्थ रखना चाहते हो तो रोज़ाना एक केला खाना फ़ायदेमंद हो सकता है क्योंकि दोस्तों, केले में ज़रूरी मात्रा में फाइबर, पोटाशियम, कैल्शियम और विटामिन सी होता है जिसके कारण रोज़ाना एक केले का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है। जी हाँ, इसके अलावा केले में पर्याप्त मात्रा में डाइट्री फाइबर होता है जो कि आपके शरीर में मौजूद ब्लड के हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाने में फ़ायदेमंद होता है जिससे कि एनीमिया की समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको एनीमिया की समस्या है तो ऐसे में आप केला ज़रूर खाएं। कान की सूजन कम करें। जी हाँ, लगभग 20-40 मिलीलीटर केले का रस सुबह शाम पीने से कान की सूजन दूर हो जाती है। अगर आपको कान में सूजन हो तो ऐसे में आप इसका रस निकाल कर ज़रूर पिएं। दोस्तों, श्वेत प्रदर यानी कि लीकोरिया में फ़ायदेमंद है केला। जी हाँ, केला और दूध की खीर को सुबह या फिर शाम के समय हर दिन खाइए या फिर आप भोजन करने के बाद दो केले का सेवन करें। इससे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम में आपको काफ़ी आराम मिलता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप पके केले को आंवले के रस में मिलाकर चीनी या फिर मिश्री के साथ खाएंगे तो इससे भी श्वेत प्रदर का रोग और साथ ही बहुमूत्र यानी कि पेशाब का बार बार आना रोग में आपको काफ़ी आराम मिलता है। दोस्तों, पेट का दर्द होने पर केले के रस में काला नमक मिलाकर खाएंगे तो इससे आपके पेट का दर्द तुरंत बंद हो जाएगा। इसके अलावा केले को शहद के साथ दिन में दो बार खाएंगे तो इससे भी आपका पेट का दर्द शांत हो जाएगा।
दोस्तों पीलिया यानी कि जॉन्डिस होने पर आप खाने वाला चूना 1 ग्राम को 1 केले में रखकर हर दिन भूखे पेट खाएंगे तो इससे कुछ ही दिनों में पीलिया रोग ठीक हो जाएगा। आप चाहे तो पका हुआ केला और शहद भी खा सकते हैं, इससे भी जॉन्डिस में आपको काफ़ी आराम मिलता है। और हाँ दोस्तों, केला शरीर को मोटा करता है। जी हाँ, अगर आप बहुत ही दुबले पतले हैं और वजन बढ़ाना चाहते हो तो 2 केला खाकर ऊपर से 250 मिलीलीटर दूध पियेंगे तो इससे 1 महीने में ही आपका मोटापा बढ़ जाएगा। If you like this video, give a thumbs up, comment us in the comment box and make sure to subscribe to Daily Health Tips. Friends, I will be back again with more new interesting topics. Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos. Thanks for watching. Bye.